गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं, मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस का जो सेकंड पेपर है उसका पार्ट ए 150 मार्क्स का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम इसे शुरुआत से पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे, जो अदर कंट्रीज है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इसकी तुलना भी करेंगे, जो उसमें संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट वगैरह, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस बेहतर होगा यदि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा समझना है तो हमारी पूरी क्लास अटेंड करें। जितने भी इसके वीडियो, लगभग 30 से 35 वीडियो बनेंगे, वो पूरे के पूरे आपको देखना पड़ेगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बारीक से बारीक तरीके से पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? कोई बता दे सर, जिन कानूनों और सिद्धांतों के आधार पर देश का कानून नियम पालन से चलाया जाता है। हाँ, किसी देश का शासन जो नियम और कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उनके सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं विजय। मतलब किसी देश के रूल्स रेगुलेशंस उसमें मेंशन होते हैं और जो इंडिया का रिटन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन। गुड, बस जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक डॉक्यूमेंट होता है, कुल मिला के एक डॉक्यूमेंट, और जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है पब्लिक को रूल करने के लिए भाई। और ये संबंध रखता है गवर्नमेंट से, चाहे स्टेट की हो या फिर गवर्नमेंट। अब जैसे ये स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आया, स्टेट बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? स्टेट यदि बनना है, राज्य यदि बनना है, तो राज्य के लिए कौन कौन से घटक होना जरूरी है? भूभाग, एरिया है ना, जनसंख्या, पॉपुलेशन, और क्या चाहिए? संप्रभुता। संप्रभुता उससे पहले, एक और उससे पहले क्या चाहिए? भूभाग, जनसंख्या। हाँ, ऑनलाइन वाले बताए, कोई बता सकता है? भूभाग, जनसंख्या, एक संप्रभुता बताए। संप्रभुता, संप्रभुता, निश्चित भूभाग, एक स्टेट, एक स्टेट, एक सीमा कि इस क्षेत्र के अंतर्गत ये राज्य की बाउंड्री है। और फिर यदि उस भूभाग में कोई लोग रहने वाले नहीं है, कोई है नहीं वहां पे, तो फिर बनेगा क्या? नहीं भाई, उसके ऊपर क्या चाहिए? जनसंख्या चाहिए, जनसंख्या चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए। पॉपुलेशन को स्थापित करने के लिए शासन, गवर्नमेंट, सरकार क्या चाहिए? थर्ड पार्टी कौन सा है इसका? गवर्नमेंट, सरकार चाहिए। और सरकार में कैसी चाहिए? संप्रभु चाहिए, मतलब स्वतंत्र होना चाहिए। 1947 से पहले की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ सरकार तो थी, लेकिन हम संप्रभु थे क्या? नहीं, हमारे ऊपर किसी और देश का शासन, उनके नियमों के अनुसार शासन होता था, संप्रभुता हमारे पास में नहीं। तब हमारे पास में भूभाग भी था, पॉपुलेशन भी थी, गवर्नमेंट भी थी, लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट
नहीं, हमारे गवर्नमेंट नहीं। तो ये राज्य के बेसिक तत्व है, ठीक है। अब भूभाग पर किसका अधिकार होगा, कौन कैसे उपयोग करेगा, खेती कैसे करेंगे, लगान किसको देंगे, हीरा निकल गया तो वो किसका होगा, सोना निकल गया तो वो किसका हो गया, नदी यदि एक क्षेत्र से दूसरे एरिया में जा रही है तो फिर क्या करेंगे, इन सब चीजों के लिए कैसी है एक नियमों का संग्रह चाहिए, कानूनों का संग्रह चाहिए, ठीक। फिर जनसंख्या, जनसंख्या अब इसमें हमारे राइट्स क्या होंगे, हमारी ड्यूटीज क्या होंगी, ये निर्धारित करने के लिए भी कुछ चाहिए, नहीं तो हम तो कुछ भी करेंगे, हम अपने घर में कुछ भी करेंगे, तुम्हें क्या लेना देना। तो भाई ये इतना मतलब 12 बजे के बाद शोर शराबा नहीं कर सकते, 10 बजे के बाद में इतना अधिक साउंड से आप कोई स्पीकर वगैरह नहीं बजा सकते, ये सब बताने के लिए कोई तो चाहिए, नहीं तो फिर तो सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करता। फिर शासन भी, सरकार जो है शासन तो कर रही है, लेकिन क्या वो अपने व्यक्ति के हिसाब से करेंगे, मुझे, मैं तो राजा हूं, मुझे जो उचित लग रहा है मैं वो करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक व्यक्ति को सब कुछ पता नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी उसके लिए कुछ नीति निर्धारक तत्व तो हो कि वो इस दायरे में रहकर काम करे, तो उसके लिए। और फिर संप्रभुता, विदेशों से हमारे संबंध कैसे हो, क्या हम कोई कानून बनाने के पहले, जैसे पहले होता था जितने भी मुस्लिम देश थे वो किससे अनुमति लेते थे, खलीफा से, क्या हमें ऐसी कोई अनुमति लेना पड़ता है कि ब्रिटिश जो राजा होता है वहाँ पे या रानी होती है उससे कुछ हमें अनुमति तो नहीं लेना है, तो इन सारी चीज़ें तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये हमने देखा कि जैसे ये राज्य का कॉन्सेप्ट आया, संविधान की आवश्यकता हमें महसूस होने लगी। संविधान को यदि हम हिंदी में समझें, कॉन्स्टिट्यूशन को, समधन विधान, विधान विधान मीन्स लॉ कानून, और सम यानी क्या होता है, सम, सम यानी क्या होता है, सम। तो ऐसे नियम या कानून जो सबको समान अधिकार देते हैं, सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं, वो क्या है, संविधान। वो क्या चीज है, संविधान। जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ये लिया गया है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से लिया गया है, कॉन्टिट्रे, कॉन्टिट्यूट्रे, कॉन्स्टिट्यूटरे शब्द से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूटरे शब्द से लिया गया है, और इसका सीधा सा अर्थ होता है प्रबंध करना, मैनेज करना, कुल मिला के प्रबंध करना, प्रबंध करना, व्यवस्था करना, आयोजन करना, ये कॉन्स्टिट्यूटरे शब्द का अर्थ होता है। अब सीधा से बोले जैसे संविधान क्या है, तो आप लोगों ने उत्तर बता दिया था, नियमों कानूनों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है, बस सीधा सा संविधान, नियमों कानूनों का संग्रह जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है संविधान कहलाता है। कितने प्रकार हैं इसके, टाइप्स, प्रकार, संविधान के प्रकार, अभी हम सिर्फ संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। तो कितने प्रकार का संविधान होता है सरिता, हाँ दो प्रकार का, कौन कौन सा, लिखित और अलिखित, लिखित और अलिखित, रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा, रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा, बस यही है दो प्रकार का
संविधान होता है लिखित और अलिखित। जैसे इंडिया का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। क्या मतलब है लिखित और अलिखित में? क्या अलिखित संविधान बिल्कुल लिखा नहीं होगा? संविधान जैसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होगा उनके पास में? क्या रहता है सर? पर जैसे अपने यहाँ पूरे संविधान सभा बैठ के लिखा है वैसा नहीं? वैसा नहीं है। परंपराओं के अनुसार जो जो उनको बातें सामने आती थी वो उसमें ऐड करते चले गए, बस ये है अंतर। और हमारे यहाँ क्या हुआ, एक कमेटी बनी और उन्होंने पूरा अध्ययन किया और उसके बाद में उसको लिखा। इसमें क्या है, जो आर्टिकल्स है वो एकदम स्पष्ट है, जो भाग बने हुए अनुसूची बनी हुई है, अनुसूची में आर्टिकल बना हुआ है, वो हर चीज का एक स्पष्ट विवरण उसमें दिया हुआ है। वहाँ ऐसा नहीं है, उसमें एक बुक है और उसमें ऐसा नहीं है कि भाई इससे संबंधित देखना है तो वो इस आर्टिकल के तहत इस पार्ट में देखना होगा। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनती गई उसमें वो लिखते चले गए, जो भी आए और संविधान बनते चला गया, बढ़ते चला गया। और हमारे यहाँ जो संविधान एक बार लिख दिया ने लिख दिया फाइनल हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद में उसमें संशोधन करना है, सुधार करना है। तो वैसे ही उसमें एक सभा बैठती है, उसे क्या बोलते हैं? संसद। उसे क्या बोलते हैं? संसद। और उसके माध्यम से उसमें संशोधन किया जाता है। तो संविधान मेनली जो है दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। इंडिया का संविधान लिखित। अब भारत में संविधान की बात करें, भारत में संविधान कब शुरू हुआ? संविधान भारत में प्राचीन समय से देखें तो हम राम राज्य की बात करते हैं, उस समय संविधान था नहीं। उस समय राजा की इच्छा और उनके अनुसार शासन किया जाता था। ऐसा नहीं है कि कोई था नहीं। अपन ने देखा मौर्य काल में, मौर्य काल में क्या होते थे? तीर्थ है, 18 तीर्थों के बारे में पढ़ा ना अपन ने। विभागाध्यक्ष होते थे और ये मिलकर तय करते थे कि हमें क्या करना है। गुप्त काल में भी था, उन्होंने तो शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया था, सत्ता को जो है ग्रामीण स्तर तक पहुंचा दिया था। जो ग्रामीण ही होता था, ग्राम प्रधान होता था, वो भी स्थानीय स्तर पर कोई निर्णय ले लेता था। उससे पहले वैदिक समय की बात करें हम, तब भी देखें तो सभा समिति विद्युत ऐसी संस्थाएं होती थी, वो वही तो काम करती थी, संविधान का ऐसे ही काम करती थी। और पूरा उनके नियम कानून बने हुए होते थे कि इसकी सजा ये देना है, इसकी सजा ये देना है, सब कुछ हुआ करता था। लेकिन उतना स्थायित्व उसमें नहीं था, जैसे सम्राट बदलता था काम करने के तरीके बदल जाते थे, काम करने के तरीके बदल जाते थे। फिर ब्रिटिश शासन भारत में लगभग 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599, और 1600 ईस्वी में उसको अनुमति दे दी। किसने? जेम्स प्रथम ने, ब्रिटिश जो सम्राट है जेम्स प्रथम, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे। और उसके बाद में क्या हुआ, अन्य कंपनियां फ्रांसीसी मतलब उससे पहले ही आ गई थी, लेकिन ढेर सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई और फिर देखा कि वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने नियम लागू कर रही है, तो यहाँ पे भी लगा कि ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। ब्रिटिश कंपनी उसमें आगे बढ़ते चली गई। कब आगे बढ़ी थी? प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध, ये महत्वपूर्ण युद्ध उस समय के, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, और उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764, और फिर इलाहाबाद की संधि कब हुई थी?
किसके साथ? 12 और 16 अगस्त तक हुई है। हाँ, किसके किसके बीच में? अपने अकबर के साथ। किसके साथ? मतलब मुगल बादशाह अंतिम जो थे, शाह आलम। शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में, और एक शाह आलम द्वितीय के साथ में। और यही वो संधि थी जिसने उन्हें राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। व्यापारी से क्या बन गए? वो शासक बन गए, शासक बन गए। और उन्होंने ब्रिटेन वाली परंपरा यहां शुरू कर दी। अब वो ऐसा कोई काम मौखिक नहीं करते थे, वो देते थे कुछ निर्देश कि हम लगान वसूल करेंगे तो हर बीघा पे इतना लेते जाएंगे, और उतना ही लेते थे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आपके पास नहीं है तो जमीनें छीन लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो छोड़ते नहीं थे। तब जाके ऐसा कुछ लगा कि नहीं यार, ये नियम के बड़े सख्त हैं, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ कानून होते हैं, और वहीं से हमारे संविधान की शुरुआत हुई। कंपनी के अधिकारी उस समय डबल व्यापार करने लगते हैं, डबल व्यापार मतलब कंपनी के लिए व्यापार अलग करते थे और निजी व्यापार अलग करते थे। अब यदि कोई प्रोफेसर या कोई टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाए और कोचिंग भी पढ़ाए, स्कूल में पढ़ाए और कोचिंग भी पढ़ाए, अब कोचिंग पढ़ाने में उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो फिर स्कूल के बच्चों को भी क्या बोलेगा? कोचिंग। तो स्कूल में तो दर्द संख्या घटते जा रही, कोई जा ही नहीं रहा है स्कूल में, सबके सब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग में जा रहे हैं। तो यही हुआ उस समय, जो कंपनी जो थी वो घाटे में चल रही थी, और जो उसके कर्मचारी थे वो करोड़पति बनते जा रहे थे। इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि जो भी कंपनी का अधिकारी कर्मचारी भारत के लिए नियुक्त तो होता था वो यहां से अरबपति बनकर चला जाता था। रिश्वत देते थे वहां पर ब्रिटेन में, वह हमें भारत में नियुक्ति कर दो, हमारा ट्रांसफर कहां कर दो? भारत के लिए कर दो, रिश्वत देते थे वह हमें वहां नियुक्ति मिल जाए। तो काय के लिए करते थे? कंपनी के लिए नहीं, किसके लिए? निजी व्यापार, कि भाई इसके साथ में हम भी करेंगे। बोल सकते हैं भी ड्यूटी तो 11 से 5 होती है, इसके पहले या बाद में हम कुछ भी करें, आपको क्या लेना देना, भाई हम ड्यूटी तो कर रहे हैं बराबर। तो ये बात थी, और कंपनी घाटे में चल रही है, और कंपनी के जो कर्मचारी है वो लठ मुठ हष्ट पुष्ट और क्या दुष्ट होते जा रहे हैं। दुष्ट कैसे होते जा रहे हैं? क्योंकि अब वो सख्ती कर रहे हैं पब्लिक के साथ। कंपनी का कानून कुछ अलग है, लेकिन इनको क्या अपना लाभ है? अब उन्होंने तो दे दिया कि इतने पैसे जो है पब्लिक के ऊपर भी खर्च कर लेना, लेकिन नहीं, वो फर्जी बिल लगाएंगे, पैसे अपने पास में रख लेंगे, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेंगे। इस तरीके से थोड़ी सी तानाशाही टाइप होने लगती। अब जब कंपनी घाटे में चल रही है तो फिर इन्होंने कंपनी से ऋण मांगा। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। कंपनी से, कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण लोन मांगा उससे, लोन मांगा, और कितना? 10 लाख पाउंड। क्वेश्चन बनता है यहां पर कि रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया था? तो उसके बता दिया मैंने, उत्तर बता दिया,
कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो निजी व्यापार करते थे और खूब मुनाफा कमाते थे, लेकिन इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा था, कंपनी घाटे में चल रही थी और कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा था। अब जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब इन्होंने क्या बोला था, जो कंपनी वाले थे डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने बोला था कि वहां जाओ व्यापार करने के लिए, बहुत अधिक फायदा होगा। कि साहब वो तो स्वीडन की कंपनी गई थी, इतने पैसे कमा के ले आए, वो गए थे उन्होंने इतने पैसे कमा के ले आए, तो हम क्यों नहीं? तो ब्रिटिश सरकार बोलती है कि जरा तुम तो बोल रहे थे कि वहाँ बहुत फायदा है, नुकसान कैसे हो गया तुम्हारा, मतलब कहीं ना कहीं रॉन्ग नंबर तो लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वे हमें रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया था वो भारत पे शासन करने के लिए नहीं था, किसके ऊपर शासन करने के लिए था, कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन जो आपकी नौकरी लगवा सकता है वहां से या भेज सकता है, तो क्या आपकी जासूसी नहीं कर सकते कि आप क्या करते हो? जैसे जिले में होता है कलेक्टर महोदय, उनके नीचे एडीएम, उनके नीचे संयुक्त कलेक्टर, मैं एडीएम मतलब अपर कलेक्टर, उसके नीचे संयुक्त कलेक्टर, फिर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारी, पटवारी से नीचे राजस्व विभाग में कोतवाल है। तो कोतवाल क्या कर रहा है पटवारी बता, पटवारी को वो बताए या ना बताए उनको पता रहता है कि वो क्या कर रहा है। उसी प्रकार पटवारी क्या कर रहा है ये नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम को पता रहता है, चाहे वो बताए या ना बताए, पूरी चैन चलती है और सब कुछ जानकारी रहती है कि हमारे अधीनस्थ जो है वो किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके का व्यवहार पब्लिक के प्रति है। और इनको क्या लगता है हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, वो तो वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम करेंगे अपने मन मर्जी से, लेकिन सब कुछ पता रहता है, सब कुछ पता हो जाता है। तो कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी देखा कि कंपनी के जो अधिकारी हैं यहाँ से जब जाते हैं तब कुछ अलग ही रहते हैं, और उधर से आते हैं तब तो अकड़ के चलते बात भी नहीं करते, फिर बहुत सारा धन कमा के ले आते हैं, फिर नौकरी भी छोड़ देते हैं। जो एक बार इंडिया में काम कर लेते हैं फिर उसको ब्रिटेन में काम करने की जरूरत नहीं है, फिर वो BRS ले लेते हैं, बोलते यहाँ काम करने से अच्छा तो जो कमा के लाया है उसको मैनेज करते रहे, उसी में गुजारा हो जाएगा, ये चल रहा है। तो इसलिए उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये क्वेश्चन भी बनता है। तो क्यों लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट बता दिया मैंने, तो कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही थी, और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से दस लाख पाउंड का कर्ज मांगा था। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया।
देखो भारत में हम बोल देते हैं जैसे एक सामान्य सा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे या अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? 200 वर्षों तक। जो नेता नेता लोग भाषण देते हैं, कल है नेताओं का दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी, हर गांव के जो जिसको जिनको बोलते आता है उनको बोलने का अवसर मिल जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो वो अक्सर भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया है। जबकि हम पढ़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में, व्यापार की अनुमति 1600 में, भारत कब पहुंची है 1605 में भारत में पहुंच गई थी ये, और छोड़ के कब गए 1947 में, तो तब से तो ऐसा लगता है लगभग 350 साल हो गए, 350 साल हो गए। तो फिर 200 वर्षों तक ही शासन कैसे किया आप बताएं? तो तब तक क्या क्या होगा? झाड़ू पोछा कि भाई नहीं, पहले हम झाड़ू पोछा साफ सफाई कर लेते हैं, फिर कुर्सी लगाएंगे, फिर बैठ के शासन करेंगे, ऐसा कुछ था क्या उनके? पहले वो मतलब अपने लाभ के लिए आए थे, बाद में शासन करना इसलिए। तो शासन क्या दूसरों के लाभ के लिए करते हैं? एक्चुअली क्या है, उनको स्थापित नहीं हो पाए थे, हम भगा देते थे उनको, चलो राइट राइट कर देते थे उनको, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, और ढेर सारी कंपनियां थी, दूसरी कंपनियां भी थी ना। लेकिन 1757 एक साल बताया ना मैंने, प्लासी का युद्ध, तब से उन्होंने भारत में शासन किया, तब से उन्होंने अपने नियम कानून थोपना शुरू किया। हृदय का 1947 हुए ना 190 साल, तो इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। और उनका जो शासन था वो भी दो प्रकार से था, दो प्रकार से कौन सा? एक कंपनी का शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, यह कंपनी का शासन, और दूसरा बोला जाता है क्राउन का शासन। तो हम 1757 के ठीक 100 साल बाद, ये नहीं 1757, अब 1857 से ठीक 100 वर्ष, 1857 कौन से? 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो ये 1757 से 1857 तक, और ये 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन। तो कंपनी मतलब पहले क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंपनी को बताती थी और कंपनी फिर रूल करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो डायरेक्ट, ये जो कंपनी वाली जो बीच में जो एक सीढ़ी थी वो खत्म हो गई, अब सीधी ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करने लग गई। कब से? 1858। तो क्या हुआ, 1857 में जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, और उनके साथ में तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इन लोगों के नाम लेते हैं, ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए। उन्होंने कसम खा ली थी कि अब हम एक कंपनी को यहाँ से भगा देंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाई, और फिर वास्तव में कंपनी को हटा दिया और सीधा कौन शासन करने लग गया? ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटेन की जो महारानी है वो सीधा भारत के लिए कानून बनाती थी, ब्रिटिश की संसद में कानून बनते थे, महारानी के हस्ताक्षर होते थे और वो भारत के ऊपर लागू हो जाते थे। तो इस समय तक जो कानून बने हैं वो बोलते हैं कंपनी के अधीन, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
उसके बाद में 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर चार्टर एक्ट बनते थे, चार्टर एक्ट 1813। बहुत सारे बने, 53 के बाद 53। अब क्या होता था, जैसे जब कंपनी की स्थापना हुई तो उसे 15 साल के लिए व्यापार करने की अनुमति दी थी शुरुआत में, और फिर ये चार्टर एक्ट के माध्यम से 20-20 साल के लिए वो जो अपना रजिस्ट्रेशन था वो उसको नवीनीकरण करते रहते थे, 20-20 साल के लिए उनकी अनुमति बढ़ाई जाती थी, तो इसलिए क्या लाते थे चार्टर एक्ट। लेकिन ये सब काय के अंतर्गत था, कंपनी के अधीन, कंपनी का शासन। अब 1853 में उन्हें 20 साल की अनुमति तो दे दी, लेकिन उसी समय क्या हो गया, 1857 की क्रांति, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं यार ये कंपनी का शासन कुछ ठीक नहीं है, अब हम स्वयं ही, अब जितने भी ब्रिटिश अधिकृत प्रांत थे, कंपनी के अधिकृत प्रांत थे, वो कंपनी के नहीं रहे, किसके हो गए, सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हो गए, और उन्होंने बोला कि अब हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा है वो हमारा है बस, इसके बाद अब हम इंडिया का कोई प्रांत अपने अधीन नहीं करेंगे, ये बात की, और उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। तो कंपनी के अधीन जो कानून बने हैं, तो सबसे पहला कानून कौन सा था, 1858, फिर 1861, 1891, 1909, 1919 और 1935। तो 1858 का जो अधिनियम था, यहां से क्या बोलने लग गए, भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। तो 1858 को बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। तो ये 1909 तक कुल मिला के, ये यहां तक कर लेते हैं, ये यहां तक भारत परिषद अधिनियम, और यहां से ये तीनों को क्या बोला गया है, लास्ट वाला कौन सा था, 1947। तो ये तीन को बोला जाता है भारत शासन अधिनियम, ये तीन भारत शासन अधिनियम, और ये भी भारत शासन अधिनियम ही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं इसे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसी के आधार पर संविधान का विकास हुआ है भाई, ये है संविधान के विकास, या एक दिन में संविधान नहीं बनता, और फिर भारत का संविधान लिखित संविधान है, फिर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन होगा, और संविधान सभा जो है इन अधिनियमों को पढ़ेगी, दूसरे देश के जो संविधान है उनको पढ़ेगी, भारतीय परिस्थितियों को समझेंगे, और उसके बाद में एक संविधान का निर्माण करेंगे। तो हमें सबसे पहले भारतीय संविधान की विकास यात्रा पढ़ना है, एक एक कंपनी के शासन अधिनियम को पढ़ना है, फिर क्राउन के शासन अधिनियम को पढ़ना है, तब जाके हमारा संविधान शुरू होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
अब यहां से मेंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, प्री का क्वेश्चन भी मेंस का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यही था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया, क्यों लाया गया। तो अब ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर में पूछा गया, 3 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो सीधा सा आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके समय में क्या हुआ, ये सब बातें उसमें लिखेंगे। कौन था उस समय 1773 में? क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था, द्वैध शासन ये वो सब कुछ उस समय थे, तो उस समय ये लाया गया था, उस समय ये लाया गया था। तो इसके प्रमुख प्रावधान हम देखेंगे क्या थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। ये पहला मौका था जब भारत में, लिखेंगे इसे, ये पहला मौका था जब भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया जिसका उद्देश्य भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना था, उद्देश्य समझ में आ गया क्या था, क्यों लाया गया था? भारत में जो कंपनी का की जो गतिविधियां थी उसके ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करने के लिए, क्या प्रावधान थे इसमें? तो जो देखो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, पहले समझ लो इसे, प्रेसिडेंसी क्या होता है? प्रेसिडेंसी कंपनी का मुख्यालय, भाई जैसे एक एरिया हुआ करता था, हर एरिया में तो नहीं ले जा सकती कंपनी, तो जिस स्थान पर रहकर वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहते थे वो कहलाता था प्रेसिडेंसी। तो कितनी प्रेसिडेंसी थी इनकी मुख्य रूप से? 3 बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई और कोलकाता, 3 प्रेसिडेंसी थी। और तीनों बराबर हुआ करते थे, तीनों की भूमिका कैसी होती थी? बराबर होती थी। तो ऐसा लगता था कि कभी कभी इन तीनों के बीच में कंपटीशन हो रहा हो, तो फिर क्या किया जाए? अब इसमें से किसी को क्या कर दिया जाए? हेड कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए। तो ऐसे कुछ उनकी प्लानिंग थी, वही इनके बीच में कुछ पद सोपान बना दिया जाए ताकि वो एक दूसरे का कहना सुनता रहे। यदि हम यहाँ आप इतने सारे बैठे हैं और आपको किसी को बोल दिया जाए कि ये जो है ये मैनेज करेंगे आप लोग, क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्देश देते रहेंगे, तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी सुविधाजनक हो जाएगा। कितने बजे क्लास लगेगी ये मेरे से ना पूछ के आप इनसे पूछ सकते, ये बता देंगे, होगा ना ऐसा व्यवस्थित? तो उसके लिए उन्होंने तीनों प्रेसिडेंसियों के बीच में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की थी। तो लिखेंगे इसमें, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को
तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहां गए? गवर्नर जनरल कहां गया? तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर की बात करें तो क्लाइव, लेकिन गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब मैं अगले वीडियो में एक बार फिर क्लियर कर दूंगा, ये क्वेश्चन क्या एक दूसरे से बने हुए हैं। जैसे बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, और वायसराय के बाद में स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारतीय गवर्नर जनरल। अलग अलग क्वेश्चन ऐसे उठते हैं, उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए हम इसे और थोड़ा सा पढ़ ले, उसके बाद में इसे देखेंगे। तो पहली बात तो समझ में आ गई, तीन प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, तीनों के गवर्नर हुआ करते थे। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर है उसे गवर्नर जनरल बोला गया, या वो बंगाल का गवर्नर, ये तीनों कंपनियों का गवर्नर जनरल होगा। अगला पॉइंट इससे लिखेंगे, बंबई तथा, पहले बंबई बोलते थे, बॉम्बे बोलते थे, उस समय की बात कर रहे हैं, तो बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में, अगला पॉइंट लिखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, कलकत्ता में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में लिखेंगे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई, सरकार की स्थापना की गई, सरकार की स्थापना की गई। और क्या परिवर्तन किया था? ऑनलाइन वाले बताएंगे, शांतनु जी आप तो बड़े अच्छे से बताते हो, बताओ जरा। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बहुत बढ़िया, यही मैं शांतनु जी के मुंह से सुनना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई। अब यहां थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन कर देते कभी, कैसा अर्जुन, कठिन कैसा? घोषणा कब की गई? 1773, और स्थापना कब हुई? 1774। तो घोषणा कब की गई और स्थापना कब की गई? स्थापना एक बार क्वेश्चन बन गया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1773 भी दिया था, 1774 भी दिया था, 5 भी दिया था, 6 भी दिया था। अब क्वेश्चन तो कठिन हो गया, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया, 1773। अब विकल्प में चेक करते थे हमारा उत्तर क्या बता रहा है, गलत, क्योंकि हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। तो घोषणा कब की गई? 1773 में, और स्थापना कब हुई? 1774। और कौन बने थे इसके न्यायाधीश? सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश बने, ये क्वेश्चन भी बनता है, सर एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश बने। अब यहां पे ये भी बात है, क्या ये
न्यायालय था पूरे भारत के मुकदमे सुनता था क्या, पूरे भारत के मुकदमे नहीं, सिर्फ जिसकी दीवानी का अधिकार इनको दिया गया था, बंगाल बिहार और उड़ीसा। इस जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था इसका अधिकारिता कहां तक थी, बंगाल बिहार और उड़ीसा तक ही थी, क्योंकि अब इतने ही क्षेत्र का उनको राजस्व वसूल करने का अधिकार मिला था। तो यहां यदि इससे संबंधित कोई विवाद होते थे तो उन्हीं की सुनवाई कर सकते थे। अब चेन्नई में कोई विवाद हो तो फिर उसका वह निपटारा नहीं हो सकता था, वो वहीं पर देखेंगे। ठीक, भारतीय कर्म कंपनी के कर्मचारियों को, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार वो भारतीय लोगों से भेंट उपहार रिश्वत आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया। क्लियर एकदम। अब बन जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मुख्य न्यायाधीश कौन बने कलकत्ता के, सर एलिजा एम। और भी न्यायाधीश थे उसमें, जैसे एक चैम्बर्स थे, लिमेंस्टर्स और एक थे हाइट। ये तीन अन्य न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम। तीन न्यायाधीश कौन बताया मैंने, चैम्बर्स, लिमेंस्टर्स और हाइट। अब हम बात करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये बना था 1781। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया था, क्यों लाया गया था। हाँ, पहली बार कोई कानून बना था तो पूरा संपूर्ण वो जरूरी नहीं है, तो उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आया। क्लियर है था? यदि क्वेश्चन बन जाए 5 नंबर में तो यहाँ से शुरुआत हम करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आए गए थे। अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यों की परिषद, शासन प्रणाली में देखा ना, शासन कौन करेंगे, गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की एक परिषद, और दूसरी तरफ कौन था, सुप्रीम कोर्ट। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, इनके बीच में विवाद क्या होंगे, अधिकारिता क्या होंगी, ये कुछ क्लियर उसमें थी नहीं रेगुलेटिंग एक्ट में, और इसलिए बार बार शिकायत लेके चल जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोलते थे मैं न्यायाधीश हूँ, मैं बड़ा हूँ, और ये बोलते थे कि मैं गवर्नर जनरल हूँ, मेरा तो सारा बंगाल बिहार के मद्रास बॉम्बे पर भी अधिकार है, तो मैं, और इनके बीच में क्या विवाद, तो इसलिए इनके अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए ये सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। वे न्यायाधीश के क्या दायित्व होंगे और गवर्नर जनरल के क्या दायित्व होंगे लिखेंगे इसमें। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान
गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना था, स्पष्ट करना था, स्पष्ट करना था। स्पष्ट करने का मतलब है सीमांकन करना कि कौन सी संस्था किस हद तक उसकी अधिकारिता होगी। आगे लिखेंगे, इसके तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। लास्ट पॉइंट के लिए सर्वोच्च न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता था, जो कंपनी के सरकारी कर्मचारी होते थे वो शिकायत करते थे, तो इसलिए बोलते हैं कि आप इनके मुकदमे, जो कर्मचारियों से संबंधित कोई मुकदमा है तो उसका निर्णय कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां पर होगा, वहां के न्यायालय में होगा, या भारत में इसका निर्णय नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? देखो, पता चला कि भारत में नौकरी करने के लिए आए और यहाँ उसको 20 साल की सजा देती, बेचारा वापस ही नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए जो भी होगा, जो कार्यवाही होगी, कानूनी कार्यवाही, कंपनी के जो कर्मचारी है, वो भी कौन से कर्मचारी? सरकारी कर्मचारी। ऐसा नहीं कि जो ठेके पर भारत के मजदूर वगैरह हैं तो उनका मुकदमे भी नहीं सुनेगा, उनके सुनेगा। जो सरकारी कर्मचारी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर दिया है उनको, उनके मुकदमे वो ये नहीं सुन सकता। टाइम कितना हो? 10 मिनट 8 सत्र। ठीक, एक और कानून पढ़ेंगे हम, पीट्स इंडिया एक्ट। ये क्लियर हुआ? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्यों लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए लाया गया था। क्या प्रावधान किया गया इसमें कि जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी है उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। साथ ही कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था उसको ये निर्देश दिया गया कि वो कंपनी के सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकते। ये उसकी बात। अब हम पढ़ेंगे पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक बात ये बोला कि पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, ऐसे सीधा सा क्वेश्चन बन गया। तो हमें तो 1773 याद रहता है, लोगों को तो 1773 पे क्लिक करके आ गए। पीएससी का क्वेश्चन है ये,
मेरे ख्याल से 2012 या कब की पी या 2008 की पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784, इसे पीट्स कहा जाता है। पीट्स कौन थे? पीट्स विलियम पीट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और उनके समय में ये कानून लाया गया था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पीट्स इंडिया एक्ट। विलियम पीट ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश पीएम, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस। कार्नवालिस कौन थे? कार्नवालिस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्नवालिस गवर्नर जनरल कार्नवालिस। कार्नवालिस पिट्स इंडिया एक्ट। कुछ मुख्य बातें हम इसमें पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 2017 के पीएससी में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था ये क्वेश्चन जो मैं जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये क्वेश्चन आपको याद है अमरदीप कब बना था? है अभी तो नहीं बना, 19-20 सर, इस बार वो पिछली बार वो बना था, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ मतलब ऐसा क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता ही है। और इसमें क्या होता है, अक्सर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, 1858 में, 1858, लेकिन 1858 में नहीं, ये कब बोला गया, 1784 में ही बोला गया था। 1858 में तो ब्रिटिश प्रांत बोला गया था उसे, और अभी क्या बोला, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन, द्वैध शासन कैसे कर दिया, तो दो संस्थान हो गए यहां पर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल, और दूसरा है कंट्रोल बोर्ड नियंत्रण मंडल, नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्वेश्चन मैं पहले देखो, निदेशक मंडल तो पहले से ही था, अभी क्या बन गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये कब बना था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, कब बना था, कब समाप्त किया, ये सब कुछ पूछा जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इनका काम क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले इनके पास में थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में क्या था, व्यापारिक मामले, व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास राजनीतिक मामले, राजनीतिक मामले, और इसलिए इसे क्या बोला गया, द्वैध शासन, द्वैध शासन, इसी को द्वैध शासन बोला गया। अब गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे, चार थे। अब चार सदस्य हैं, और यदि कोई निर्णय लेना है तो फिर कैसे लेंगे,
दिक्कत हो गई, दो इधर हो गए दो उधर हो गए, तो अब कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। तो डिसीजन लेने के लिए या तो तीन होना चाहिए, पांच होना चाहिए, सात होना चाहिए, कि भाई तीन इधर हो गए तीन इधर हो गए तो भी एक जो रहेगा वो जिधर होगा निर्णय हो जाएगा। सम संख्या वाले इसमें तो बढ़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अब चार सदस्यों को क्या कर दिया जाए, हमारे कम कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, तीन। ये क्वेश्चन भी बना है तो लिखेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या घटाकर चार से तीन कर दिया गया, तीन कर दिया गया, चार से घटाकर तीन कर दिया गया। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, मद्रास तथा मुंबई की सरकार को, मद्रास तथा मुंबई की सरकार को पूर्ण रूप से किसके अधीन लाया होगा, कलकत्ता या बंगाल, बंगाल की सरकार के अधीन लाया गया, बंगाल की सरकार के अधीन लाया गया, बंगाल की सरकार के अधीन लाया गया। तो आज के लिए इतना ही। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पीट्स इंडिया एक्ट 1784। कल हम कोशिश करेंगे कि पूरे चार्टर एक्ट पढ़ लें, भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, 1935 तक, यहाँ तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कल की भी क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जो भी कैंडिडेट हमारी एक भी क्लास यदि बीच में मिस कर देता है तो उसको आगे समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए व्यवस्थित तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, कॉपी पेन साथ में रखें, नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें। तो सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, भारतीय संविधान का पहला चैप्टर समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से सार्थक पहल के साथ बने रहें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक अवश्य करें, और कोई यदि परेशानी है, कोई समस्या है, कुछ कमी है तो मैसेज करें, उसका निराकरण अवश्य किया जाएगा।